वाले नकल। और बस इतने सारे हो गए नए जमाने के। नए जमाने के वैसे पुराने जमाने के थे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा बर्थडे आने वाला है, बहुत सारे काम निपटाने हैं, संडे का दिन है, तो फटाफट से इनके बालों में कलर किया और थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, ये मुझे बनाना भी खिला रहे थे साथ ही साथ। तो अभी बस हम लोग जाएंगे मार्केट की तरफ और आज बर्थडे डेकोरेशन भी दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ अपने बर्थडे डेकोरेशन में। उसके बाद हमें बाहर जाके बहुत सारे काम निपटाने थे, कुछ मार्केट वगैरह के काम थे तो वो निकल गए थे हम करने के लिए। तो आज हम प्रिपरेशन करेंगे मेरे बर्थडे के लिए, क्या क्या चीज़ें लानी है वो सारी चीजें। तो हम यहाँ आ गए हैं बेकरी शॉप पे। तो फर्स्ट जहाँ हम गए थे वहाँ हमें ज़्यादा कुछ खास पसंद आया नहीं, फिर हम गए थे सेकंड शॉप पे जहाँ हम ऑलमोस्ट हमेशा जाते हैं और वहीं से अपनी बर्थडे की शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ डेकोरेशन का सामान लिया। ओ माय गॉड, मम्मी बड़े मुश्किल संकट में आ चुकी है, बड़ी मुश्किल संकट में है। ये कितनी बड़ी है, जितनी लेंस दिख रही है इतनी है। सही है ना, ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। एक दिखाना पहले। दिखा दो, कोई सा भी लो, कोई सा भी लो। बट ये ग्रीन कलर में, अगर वो मेरा ड्रेस है ना, मैं ग्रीन ऐसे ग्रीन, ये जो ग्रीन है ना, और वैसे ही तो ड्रेस है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा लगेगी, सेम टू सेम ना। हाँ ऐसे वो ग्रीन वाले ले लो तो वो अच्छे लगेंगे उसके ज्यादा। अरे नहीं, वो नहीं अच्छे। तो फाइनली बहुत देर के बाद मुझे जो जो समझ आया वो मैंने यहाँ से ले लिया है। फिर हम गए नेक्स्ट शॉप पे जहाँ हमें कुछ अद्भुत ही देखने को मिला, जो कि आप लोग भी देख रहे हो। तो भैया हमें यहाँ देखने को मिला जय हो तेरे प्यार की, और ये टाइटल दो लड़कियाँ यहाँ आई हुई थी, उन्होंने केक ऑर्डर कर रखा था जिसपे ये लिखवा रहे थे वो लोग, और मुझे मन ही मन में इतनी हंसी आ रही थी देख के, ये क्या है। बट होगा कुछ उनका आपस में, फ्रेंड्स लोगों का चलता रहता है यार आजकल, तो बस ऐसा ही कुछ था, बट बड़ा ही डिफरेंट और अद्भुत था। इसके बाद मैंने भी इसी शॉप से अपने बर्थडे का केक ऑर्डर किया और समझाया कि उस पर क्या टाइटल लिखना है, मैंने अपने बर्थडे केक पे क्या लिखवाया है वो भी आप आगे देखोगे। एंड यहाँ पे काफ़ी सारा डेकोरेशन का बड़ा अच्छा अच्छा सामान था, थोड़ी सी न्यू शॉप खुली हुई थी तो मैं यहाँ से फर्स्ट टाइम परचेज कर रही हूँ। तो मैंने अपने बर्थडे पे जो केक है उस पर लिखवाया है फैशन डीवा कंचन, और यूट्यूब का जो बटन होता है वो बनवाया था, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ बनवाया है, देखते हैं कैसा बन के आता है। और केक का ऑर्डर हमारा फाइनल हो गया। इसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से, कहाँ निकले वो भी आप आगे देखोगे कि हम कहाँ गए। काफ़ी टाइम हम लोग घूमे हैं ये। इसके बाद हम लोगों को लगा थोड़ा गोलगप्पे खा लेने चाहिए, बहुत टाइम हो गया ऐसा कुछ खाया नहीं है, आरब को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग आ गए सेक्टर 3 में पॉप्स 1 पे गोलगप्पे खाने के लिए फोन से। तो देखा गाइस, आरव की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, सब उसे फेवरेट हैं उसके गोलगप्पे। और यहाँ पे देखिए एक बैगर थी, तो इसको आरव कुछ पैसे वैसे देने चले गए, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई, वो तो आरव को ऐसे करने लगी जैसे उसी का ही नाती पोता हो। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए गोलगप्पे खा के अपने घर की तरफ, और काफ़ी थक गए थे, सारा काम निपटा के गए थे, बट काफ़ी कुछ रिलीफ हो गया था कि चलो बर्थडे की ऑलमोस्ट तैयारी हमने कर ली है। आरब की तो आज निकल पड़ी बिल्कुल। तो हम लोग घर आके रिलैक्स होके अब हम लोगों ने सोचा क्यों ना डेकोरेशन भी आज ही निपटा ली जाए एक दिन पहले ही। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो आज ही कर लेते हैं मिलके, आज मैं भी हूँ घर पे, संडे है तो क्यों ना संडे का थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो बस फटाफट से हम लोग डेकोरेशन करने में लग गए। अच्छा
हैंग करोगे ना दवा किसके ऊपर? ठीक है, सब ऐसे कर। ये सब देख के आप हंसना मत, क्योंकि हमारे बीच ना ऐसा ही चलता रहता है। हम लोग हस्बैंड वाइफ को हम लगते हैं फ्रेंड्स ज़्यादा, हमें तो ऐसा ही फील होता है कि हम फ्रेंड्स हैं, एज अ फ्रेंड्स की तरह ही हम बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो बस हम लोगों ने ऐसी हंसी मजाक करते करते पूरी डेकोरेशन कर दी। गाइज, मेरे हस्बैंड की एक बहुत अच्छी आदत है, वो बहुत ना सीरियस कभी नहीं रहते हैं, एकदम फनी मूड में रहते हैं, हमेशा ही ऐसे ही रहते हैं। एंड मैं कभी कभी थोड़ी सी ना इरिटेट भी हो जाती हूँ इस बात को लेके कि कभी तो सीरियस हो जाया करो, बट वो नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो नहीं होते हैं। तो या हमने की इसके बाद काफ़ी अच्छे से मिल के डेकोरेशन, लड़ते झगड़ते मौज मस्ती करते करते बस सारा काम फिनिश कर लिया। और हमारी डेकोरेशन कब हो गई हमें पता भी नहीं चला, साथ में करते हैं ना कोई काम तो नहीं पता चलता है टाइम का कि कैसे कोई काम हो गया, कुछ नहीं पता चलता है। आपके हस्बैंड्स आप लोगों की ऐसी हेल्प करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो उनको बोलो कि ऐसी हेल्प किया करें ना, नहीं करते हैं ना तो उनको ये व्लॉग दिखाना मेरे व्लॉग दिखाया करो ताकि उन्हें थोड़ी सी शर्म आए और वो भी ऐसा कुछ करें। तो ये हमारी फाइनल डेकोरेशन का लुक, हमने एक बैकड्रॉप यहाँ पे रेडी किया है जहाँ पे हम पिक्स कराएंगे या जहाँ पे हम केक वगैरह केक कटिंग की सेरेमनी करेंगे। तो ये वो सारा सामान जो अभी हम थोड़ी देर पहले शॉपिंग करके लेकर आए हैं, जो डेकोरेशन वाली शॉप थी ना वहाँ से मैंने ये सारा सामान लिया हुआ है। एंड सारा ऑफलाइन ही है, कोई भी चीज़ इनमें से ऑनलाइन नहीं है। हैप्पी बर्थडे का जो टैग है बल्कि वो तो पुराना है, और अब मैं देखिए ये फेरी लाइट्स है, ये ज़रूर ऑनलाइन है, अमेज़ॉन से परचेज़ की थी तो ये काफ़ी पुरानी है और अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। तो ये किसी भी चीज़ में कोई भी डेकोरेशन करो ना, उसमें फेरी लाइट लगा दो तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ एफर्ट्स भी नहीं किए हैं, दो दो लड़ियाँ इधर उधर लगा दी हैं हैप्पी बर्थडे की, और बीच में हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया है, एक फ्लावर वाली ये लगा दी है लड़ी, तो बस कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराएंगे, एक तो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ना सुंदर लगता है पिक्चर्स क्लिक कराने में, मतलब मज़ा सा आता है। तो मेरे को खाली मतलब एकदम सिंपल सिंपल से ऐसे ही बस बैठ गया, केक काट लिया, ऐसा कुछ ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। हमेशा ही मैं अपने बर्थडे पे अच्छे से ही सेलिब्रेशन करती हूँ, अपना भी और सबका भी। या तो ये था आज का मेरा सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, छोटा सा नहीं था मतलब, हाँ ठीक ठाक था, बहुत बड़ा भी नहीं है। तो आई होप आपने आज का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, प्लीज़ कर लेना, और इस ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर देना। एंड या अपना ध्यान रखना, एंड खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।